मैं प्राची गुप्ता और आप देख रहे हैं दसड़कनामा.com। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब देखना ये है कि जनता किसे विधायक बनाकर चंडीगढ़ सभा विधानसभा तक भेजेगी। और इसी के साथ आज मेरे साथ मौजूद हैं गोविंद कांडा जी की धर्मपत्नी सरिता कांडा। हम उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर उनका प्रचार कैसा चल रहा है। मैम, चुनाव को लेकर अगर मैं प्रचार की बात करूँ तो आप गोपाल कांडा जी के समर्थन में आज डोर टू डोर कर रहे हैं, तो प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हर लोग हमारे हम सोचते हैं निश्चित है, जीत निश्चित है हमारी। डोर टू डोर में क्या मुख्य समस्या है आप लोगों के सामने लोगों की आई? कोई समस्या नहीं रखी। वैसे हमें तो लगे पता था गलियां नहीं बनी है, सड़कें नहीं बनी 5 साल में पहले। कोई काम नहीं किया मक्खन सिंह ने। तो जो नशा है उस पर मतलब कि कांडा सरकार क्या आने वाले समय में कदम उठाएगी? पूरा ध्यान देगी, इसको बिल्कुल खत्म करेंगे। खत्म ही करना, पूरा जड़ से खत्म करना है हमने तो। पिछली बार गोपाल कांडा जी चुनाव हार गए थे, तो अब की बार उसमें मतलब कि किस तरह के जीतने के कदम उठाए जाएंगे? पहले भी उन्होंने बहुत कदम उठाए थे, वो तो वैसे हार गए, और अब भी बहुत कदम उठाएंगे, हर काम करेंगे जनता का। क्या क्या मतलब कि जनता से अगर उनको मौका मिलता है तो सबसे पहले क्या क्या विकास कार्य वो करवाएंगे? उन जनता की जो भी समस्या होगी वो हर समस्या को दूर करेंगे। यहाँ पे अस्पताल भी बनवाएंगे, सड़कें भी बनवाएंगे, और लोगों के लिए छोटे उद्योग लगाएंगे जो गरीब जनता उनमें काम कर सके। और किसानों के लिए, मैम किसानों की बात करूँ तो उनके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? किसानों की जो भी समस्या होगी उसे दूर करा जाएगा। जो भी किसान अपनी समस्या आगे कहेगा गोपाल कांडा जी जरूर दूर करेंगे। कांडा जी दूर करेंगे। और मैं टक्कर की बात करूं तो हरियाणा लोकहित पार्टी का टक्कर किस पार्टी से सबसे ज्यादा चल रहा है? किसी के साथ नहीं है, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थी गोविंद कांडा जी की वाइफ सरिता कांडा, जिन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर उनका प्रचार कैसा चल रहा है। इसी के साथ जुड़ी रही हमारे पे सड़कनामा के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।